कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, हम लाइक टर्म्स को किस तरह कंबाइन करेंगे आज हम ये पढ़ेंगे। लाइक टर्म्स कौन से टर्म है? लाइक सपोज हमारे पास एक्स और एक्स, इसको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। इस तरह एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है? लाइक टर्म। वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये भी हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स। वो टर्म्स जो जिसकी डिग्री ऑफ पावर वो भी सेम हो और जो सिंबल उसके लिए यूज हुआ हो वो भी सेम हो, इसको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म। अनलाइक टर्म कौन से होते हैं? लाइक सपोज एक्स एंड वाई, ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म। एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म। क्या है? अनलाइक टर्म। सो लाइक टर्म कौन से टर्म होते हैं जो हमारे पास जो सिंबल इसके लिए यूज हुआ वो भी सेम हो और जिसकी हमारे पास जो पावर है डिग्री ऑफ पावर वो भी लाइक सपोज इसकी वन है तो इसकी भी वन होगी, इस तरह इसकी स्क्वायर तो स्क्वायर भी दोनों की स्क्वायर हो, तो ये हमारे पास कौन से टर्म्स होते हैं? लाइक टर्म, जिसके हमारे पास पावर सेम हो। हमारे पास आज का टॉपिक क्या है कि हम किस तरह कंबाइन करेंगे या ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, ठीक है, कि हम किस तरह कंबाइन और ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, लाइक सपोज हमारे पास है एक्स प्लस एक्स, हमारे पास किस तरह कंबाइन होंगे? तो इसकी जो कोएफिशिएंट है वो हम ऐड करेंगे, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू और ये हम सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स, क्या हो जाएगा? टू एक्स। इस तरह एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स, सो इधर कोएफिशिएंट वन, इधर थ्री, इधर फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस वन नाइन एक्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। इस तरह y प्लस फाइव वाई, सो कोएफिशिएंट अब इधर की y 5 और इधर 1, तो ये हो जाएगा 6y, ठीक है। तो कम्बिनेशन अब लाइक टर्म्स हम किस तरह करेंगे कि इसकी कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और जो सिंबल यूज हुआ है वेरिएबल के लिए वो हम उस तरह रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। इस तरह एक इनिशियल एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इधर कोएफिशिएंट वन, इधर फाइव, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो ये कि एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर एक्स, इसको हम किस तरह ऐड करेंगे? तो अगर आप इसको देख लें तो ये दोनों लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, इन दोनों को हम सॉरी ये लाइक टर्म इधर स्क्वायर है, इधर क्या है? स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म और ये दोनों लाइक टर्म, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री फाइव वाई, हमारे पास आंसर आ गया। लाइक टर्म कौन से टर्म होंगे जिसकी पावर भी उस तरह सेम हो और जो सिंबल यूज हुआ वो भी उस तरह सेम हो? तो हम इसे क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और ये हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। अनलाइक टर्म कौन से टर्म होते हैं? सपोज इधर पावर हमारे पास वन है लेकिन ये दोनों क्या है? डिफरेंट, तो ये हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म। ये इधर पावर सेम मगर डिफरेंट है तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म, ठीक है। तो लाइक टर्म को किस तरह ऐड करेंगे? कोएफिशिएंट ऐड करेंगे और अनलाइक टर्म हमारे पास इस तरह ऐड नहीं होगी, ठीक है, ये हमने उस पर एग्जांपल किया। तो ये हो गया आज कंबाइनिंग लाइक टर्म, एक शॉर्ट सा डेफिनेशन।